Student, we discuss like in our earlier classes. Today I will discuss viruses. Virus term derived from Latin language or Latin word virus, which means poison. Virus means poison. We say that virus is non-cellular. Virus is non-cellular, sub-microscopic, obligate parasite, composed of a proteinous proteinous proteinaceous covering around central nucleic acid. They are DNA or RNA, and self-replicating. Self-replicating within the living host cell. Self-replicating within the host, living host cell. Within the living host cell. Host cell. The study of virus is called virology. The study of virus is called virology. And discovered by D.J. Ivanovsky. Discovered by D.J. Ivanovsky in
1892 in tobacco in tobacco in tobacco इसकी खोज उन्होंने किस में की थी? टोबैको प्लांट में जो डिजीज थी, टोबैको मोज़ेक टोबैको डिजीज, उसी के बेसिस पर इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1892 में किए थे। वेंजरिक Bezrinning confirmed that earlier Bezrinning ने इन्होंने क्या किया कि अपने प्रयोग द्वारा यह प्रूफ किया कि जो कॉजिंग डिजीज है वो किसके द्वारा है? वाइवम फ्लूइडम का नाम दिया, और लुई पाश्चर ने विषाणु या कह सकते हैं आप वायरस का नाम दिया। द टर्म वायरस वाज गिवन बाय लुईस पाश्चर लुईस पाश्चर द क्रिस्टलाइज स्टैनले क्रिस्टलाइज्ड द वायरस ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज ऑफ डिजीज ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको After that, we discuss the characteristic feature of viruses. अगर हम इसके features की बात करें, if we are talking about features of the virus, they are submicroscopic or ultra microscopic. They are ultra microscopic and highly pathogenic and highly pathogenic. Second point की इसकी बात करें अगर हम, they are obligate parasites. Obligate
parasite. They have either DNA or RNA. They have either DNA or RNA. या तो इनके पास DNA होगा न्यूक्लिक एसिड या फिर RNA होगा. दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर. दे कैन पास थ्रू दे कैन पास थ्रू दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर. अगर हम इसको बैक्टीरियल फिल्टर से पास करें तो ये पास हो जाते हैं. पास होने का मतलब छन जाते हैं आसानी से, मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. मल्टीप्लिकेशन ओनली इन लिविंग सेल. दे मल्टीप्लिकेट दे मल्टीप्लिकेट ओनली लिविंग होस्ट सेल. इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है या रिप्रोडक्शन होता है केवल और केवल कहाँ पर होगा? लिविंग होस्ट सेल में होगा. नो अफेक्टेड बाई एंटीबायोटिक्स. इन पर कोई भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है. नॉट अफेक्टेड बाई नॉट affected by antibiotics. Antibiotics affected by antibiotics. Their living character की अगर हम बात करें इसके तो किसकी बात करें? Living character. Living करैक्टर. इसका जो लिविंग का करैक्टर है वो कैसा होता है? मल्टीप्लिकेशन इन लिविंग सेल. पहला जो होगा मल्टीप्लिकेशन इन लिविंग सेल. लिविंग सेल. दूसरा है the presence of nucleic acid. The presence of nucleic acid and gene mutation causes gene mutation and causes disease. Causes डिजीज. मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इसके लिविंग के करैक्टर को बताते हैं. आफ्टर दैट वी डिस्कस नॉन लिविंग करैक्टर ऑफ वायरस. नॉन लिविंग करैक्टर ऑफ वायरस. अगर हम वायरस के नॉन लिविंग करैक्टर की बात करें, किसकी बात करें? नॉन लिविंग का जो करैक्टर है इसके पास कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता या प्रोटोप्लाज्म नहीं होता. नो प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है. नो एंजाइम सिस्टम. कोई भी इसके पास एंजाइम सिस्टम नहीं होता है. नो एंजाइम सिस्टम. और इनमें रिस्पायरेशन भी नहीं होता है. देयर इज नो रिस्पायरेशन. देयर इज नो रेस्पायरेशन. इनमें रिस्पायरेशन भी नहीं होता है. और अगर हम बात करें तो ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं, जिसको मैंने बताया ना क्रिस्टलाइजेशन इनका किसने किया था? स्टैनले ने. दे आर क्रिस्टलाइज्ड.
क्रिस्टलाइज. कैन नॉट ग्रो इन एनी कल्चर, दे कैन नॉट ग्रो इन एनी कल्चर. किसी भी कल्चर मीडिया में इसको हम ग्रो नहीं करा सकते हैं. ये सब करैक्टर इसको क्या बताते हैं कि जो वायरस है नॉन लिविंग है. लेकिन इसको कहा क्या जाता है, वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट मीन ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ लाइफ. वायरस इज कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग दैट मीन्स ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ लाइफ. दे आर ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ लाइफ, दे आर ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ लाइफ. आफ्टर दैट वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस. क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो वायरस है इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको होल्म्स ने दिया था. किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन वायरस आर क्लासिफाई बाई, वायरस आर क्लासिफाई बाई होल्म्स. इन 1948, वन इज फैजनी, फैजनी फैजनी दैट मीन्स इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया. ये काम क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया. सेकेंड फाइटोफाइजिनी, फाइटोफाइजिनी दैट मीन्स इन्फेक्टिंग प्लांट, इन्फेक्टिंग प्लांट. दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट प्लांट आर कॉल्ड एज फाइटोफाइजिनी. एंड थर्ड वन इज जू फाइजिनी, जू फाइजिनी दैट मीन्स दे इन्फेक्ट एनिमल्स, इन्फेक्टिंग एनिमल्स, इन्फेक्टिंग एनिमल्स दैट मीन्स द वायरस दैट इन्फेक्ट, द वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स आर कॉल्ड एज जूफेजनी. एंड अदर हैंड on the basis of nucleic acid given by law,
on the basis of nucleic acid given by law. Phylum Vira, subphylum Dixovira, Deoxyvira, and classes Deoxyhelica, Deoxycubica, Deoxybinella, and subphylum Ribovira. Ribovira की अगर हम बात करें जिसमें वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होगा, मतलब जो लॉफ थे लॉफ, इन्होंने जो डिवाइड किया वायरस को मेजर दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक को बताया डीऑक्सीवायरा और दूसरे को बताया राइबोवायरा। जो डीऑक्सीवायरा है इसका जो न्यूक्लिक एसिड होगा डीएनए एज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हियर आरएनए, आरएनए एज आरएनए एज न्यूक्लिक एसिड। जो वायरस को डिवाइड किया उन्होंने डीएनए और आरएनए के बेसिस पर अगर देखा जाए तो वो न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पर, और ये जो डीऑक्सी राइबोवायरा है इसको पुनः उन्होंने तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया, थ्री क्लासेस। वन इज डीऑक्सी हेलिका, और सेकंड जो है डीऑक्सी क्यूबिका, एंड थर्ड वन इज डीऑक्सी बाइनेला। और राइबोवायरस की अगर हम बात करें ये क्लास में डिवाइड हुआ। जो राइबोवायरस है ये इसका जो डिवाइडेशन हुआ वो दो ग्रुप में बांटा गया, एक को बताया गया राइबोहेलिका और दूसरे को बोला गया राइबोक्यूबिका। इन दो ग्रुप में वायरस को डिवाइड किया गया। जो वायरस का जो मोस्ट वायरसेज हैं एनिमल वायरसेज, और कुछ ऐसे वायरस जिनमें डीएनए है उनकी एग्जांपल्स को लेकर के हम देख लेते हैं थोड़ा सा। डीएनए वायरस और आरएनए वायरस के कुछ एग्जांपल्स की हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम डीएनए वायरस की बात करें, डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है दो तरह का होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, और दूसरा होता है डबल स्ट्रैंडेड। अब अगर सिंगल स्ट्रैंडेड की बात करें या डबल स्ट्रैंडेड वायरस की बात करें, डीएनए वायरस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस, डीएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आपके वायरसेस हैं उनकी कुछ एग्जांपल जैसे प्रोबो वायरस। और अगर हम डबल स्टैंडर्ड दूसरी बात करें तो जैसे आपका है फाइव इंटू 174
ये भी कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है डीएनए इसका। ऐसे ही अगर हम डबल स्ट्रैंडेड की बात करें तो उसमें आपका आता है हर्पीज, हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस जो कि कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। और दूसरे की बात करें तो जो पॉक्स वायरस है, पॉक्स वायरस ये भी डबल स्ट्रैंडेड है। ह्यूमन एडिनो वायरस, ह्यूमन एडिनो वायरस भी कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। एडिनो वायरस ये भी कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। और अगर हम बात कर लें आरएनए की, किसकी बात कर लें, आरएनए वायरस की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो आरएनए वायरस है उसमें भी कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, आरएनए वायरस एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अगर हम सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस के एग्जांपल्स की बात करें तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस हैं आरएनए के, उसमें आपका आता है राउस सार्कोमा वायरस, राउस राउस सार्कोमा वायरस, सार्कोमा वायरस ये एग्जांपल है किसका, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस का। और भी देख लेते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड के, मम्स है, क्या है, मम्स वायरस है, रेबीज वायरस है, मम्स, मम्स हो गया, रेबीज हो गया, मम्स है, रेबीज है, पोलियो वायरस है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा, एड्स है, सार्स वायरस है, सार्स वायरस, ये सब के सब कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इनमें कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और अगर हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की, तो उसमें आता आपका, डबल स्ट्रैंडेड के एग्जांपल्स ले लेते हैं थोड़ा सा देखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड का है टीएमबी, क्या है, टीएमबी टोबैक मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस। और अगर देखें तो सॉरी टीएमबी जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, टीएमबी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, टीएमबी में जो डबल स्ट्रैंडेड है आरएनए वो है ओन्ड ट्यूमर वायरस, डब्ल्यू ओ यू एन डी ओन्ड ट्यूमर वायरस, ओन्ड ट्यूमर वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है आरएनए का बना हुआ। और है बहुत कम ही मिलते हैं वैसे, ये तो सारे एग्जांपल्स हो गए आपके किसके, आरएनए वायरस के, जो आरएनए वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड का और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का मैंने आपको बताया इधर, और मैंने डीएनए का भी बता दिया। अब अगर हम बात करें तो कोई भी जो वायरस हैं, एक भी वायरस दोनों के दोनों नहीं रखेंगे, उनके पास दोनों न्यूक्लिक एसिड नहीं पाए जाएंगे, या तो उनमें डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। और इनके नॉमक्लेचर की अगर बात करें
तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नामक लेक्चर हैज गिवन अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ वायरस। ठीक, ये सब यहीं तक आज, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे वायराइड्स की। थैंक यू।